लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार। शंकर जयकिशन फाउंडेशन की ओर से मैं परीक्षी वर्मा आप सभी का आज के इस हसीन शाम में तहदिल से स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। हम सब जानते हैं कि जब भी हम शंकर जयकिशन जी का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले मुकेश जी हमारे जहन में आते हैं, कुछ गानों के लिए रवि साहब हमारे जहन में आते हैं, लेकिन किशोर कुमार और शंकर जयकिशन, ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही रेयर है। हमारे जहन में जल्दी ये कॉम्बिनेशन आता नहीं है, लेकिन इस तरह के यूनिक कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म से प्रेजेंट होते हैं, और वो एक ही प्लेटफॉर्म जिसका नाम है शंकर जयकिशन फाउंडेशन। मैं यहाँ पर जितने भी शंकर जयकिशन जी के फ़ैन्स हैं फिर से एक बार उनका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि आज हम जितने भी यूनिक गाने लेकर आए हैं उन सभी गानों को आप दिल से अप्रिशिएट करेंगे, और जो भी गाना आपको पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली अपना प्यार लिखकर हम तक पहुँचा सकते हैं। तो चलिए आज के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत शाम हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें कुछ ऐसे गाने हैं जो किशोरदा ने बड़े ही दिल से गाए हैं शंकर जयकिशन जी के संगीत निर्देशन में। तो आज की शाम बहुत ही तूफ़ानी होने वाली है, बहुत अलग होने वाली है। आशा करते हैं हमारा ये प्रयास आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, आज की इस खूबसूरत शाम में दो दिग्गज कलाकार अपने सुरों से इस खूबसूरत शाम को सजाने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहली आवाज़ को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, जो गुजरात की बहुत ही वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं और बहुत ही पावरफुल सिंगर हैं। कई गुजराती फिल्म्स और एल्बम्स में वो अपनी आवाज़ दे चुकी हैं, और आज इस खूबसूरत शाम को अपने सुरों से सजाने के लिए वो तैयार हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम वेरी वर्सटाइल एंड पावरफुल सिंगर पायल वैद्य। पायल जी का यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। लता जी के एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ वो आज के इस सफ़र की शुरुआत करने जा रही है दोस्तों। तो चलिए, एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र आपका इंतज़ार कर रहा है। अपना स्थान ले लीजिए और इत्मीनान से संगीत के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। सो हियर वी हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस, पायल वैद्य। हवा में उड़ता जाए मुरलाई
बेहद खूबसूरत शुरुआत की है पायल जी ने आज के इस प्रोग्राम की। आपने महसूस किया होगा कि ये जो गाना, ये जो पर्टिकुलर सिंगिंग स्टाइल लता जी का हमने महसूस किया इस गाने में, वो जैसे 40s के ज़माने में जिस तरह की गायकी चलती थी उस तरह का उनका सिंगिंग स्टाइल था। पहली बार तो जब ये गाना सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नूरजहाँ जी ने गाया हो, लेकिन एक्चुअली लता जी ने गाया हुआ ये गाना है। सिंगिंग स्टाइल डेफिनेटली वो 40s के ज़माने का है। जैसे ही दौर बदलता गया लता जी ने अपने सिंगिंग स्टाइल को चेंज किया और एक अलग ही रूप में वो हमारे सामने प्रस्तुत हुई। लेकिन आज की ये खूबसूरत शाम में हमारे प्रमुख कलाकार जिनके गाने हम लेकर आए हैं वो है किशोर कुमार। दोस्तों, ज़्यादातर किशोर कुमार का नाम भी जब हम लेते हैं उनके साथ पंचमदा का नाम जुड़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम जुड़ जाता है, एस डी बर्मन साहब का नाम जुड़ जाता है। लेकिन शंकर जयकिशन जी के संगीत निर्देशन में भी किशोरदा ने कुछ खूबसूरत गाने गाए हैं जो कहीं ना कहीं हमें लाइव प्रोग्राम में बहुत कम सुनने को मिलते हैं। ज़्यादातर जब किशोर कुमार नाइट होती है तब भी मुझे लगता नहीं कि ऐसे कोई गाने गाने का किसी भी कलाकार को मौका मिलता है। तो आज हम खुशकिस्मत हैं कि इस तरह के खूबसूरत गाने आप तक पहुंचाने का हमें एक बहुत ही खूबसूरत अवसर यहाँ पर मिला है, तो हम इस फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज किशोरदा का एक अलग रंग आपको नज़र आएगा, शंकर जयकिशन जी का रंग नज़र आएगा, और उसी रंग के साथ मैं आज के हमारे प्रमुख कलाकार को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। किशोरदा के नगमों का जब भी जिक्र होता है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, उनका नाम बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, और आप सबकी डिमांड पर उन्हें स्पेशली आज यहाँ पर हमने बुलाया है इस खूबसूरत शाम को सजाने के लिए। सो हियर वी हैव वॉइस ऑफ किशोर कुमार, मिस्टर आनंद विनोद, जिनका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। और आज आनंद जी, आपका भी एक अलग रूप हम देखेंगे। आई होप यू ऑल विल लव दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू परिशी। दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैं शंकर जयकिशन फाउंडेशन अहमदाबाद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो इसलिए कि आज के जो गीत है जो उन्होंने मुझे दिए हैं उसमें से 80% सॉन्ग्स मैंने पहली बार सुने हैं, तो इसलिए मैं खास बोलना चाहता हूँ कि आप सोच सकते हैं कि किस तरह के गाने शंकर जयकिशन जी ने किशोरदा के लिए कंपोज किए होंगे, और किशोरदा का इन गीतों में पूरा आपको अलग टोनल क्वालिटी मिलेगा, जैसे पंचमदा में या एस डी वर्मन जी में वो गाते थे। तो दिस इज़ टोटली डिफरेंट, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू सरवीन भाई जर्मरवाला, चिराग भाई पटेल एंड मिस्टर उदय जोगड़ेकर फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, और एंड ऑल्सो फॉर एनहांसिंग माई किशोर कुमार लाइब्रेरी। तो थैंक यू वेरी मच। जस्ट लिसन। हाय, देखा है तुम्हें कहीं ना कहीं, लेकिन कहाँ याद आता नहीं। देखा है तुम्हें कहीं ना कहीं, लेकिन कहाँ याद आता नहीं। हरता रहा जिसका मैं इंतजार, कहो के कहीं तुम वही तो नहीं। अरे देखा है तुम्हें कहीं ना कहीं, लेकिन कहाँ याद आता नहीं। करता रहा जिसका मैं इंतजार, कहो के कहीं तुम वही तो नहीं। अरे देखा है तुम्हें कहीं ना कहीं। Thank you.
अभी तुम हमारे, अभी तुम हमारे ख्यालों में शर्मा रही थी, कभी आसमां के सितारों में लहरा रही थी। ये जलवा ये नखरा, ये जलवा ये नखरा, इन्हें खूब मैं जानता हूँ, इन्हें जिंदगी मानता हूँ। देखा है तुम्हें कहीं ना कहीं, लेकिन कहाँ याद आता नहीं, करता रहा जिसका मैं इंतजार, कहो के कहीं तुम वही तो नहीं। अरे देखा है तुम्हें कहीं ना कहीं, मिले थे यहीं पर, मिले थे यहीं पर, लगा के गले से गले हम, खिले फूल बन के इन्हीं बादलों के तले हम, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, ये सदियों पुराना है बंधन, कहे झूम के दिल की धड़कन। देखा है तुम्हें कहीं ना कहीं, लेकिन कहाँ याद आता नहीं, करता रहा जिसका मैं इंतजार, कहो के कहीं तुम वही तो नहीं। देखा है तुम्हें कहीं ना कहीं, लेकिन कहाँ याद आता नहीं, करता रहा जिसका मैं इंतजार, कहो के कहीं तुम वही तो नहीं। अरे देखा है तुम्हें कहीं ना कहीं, वाओ दैट वाज रियली अमेजिंग। और मैं हमारी ऑर्केस्ट्रा जितने भी म्यूजिशियंस हैं, मिस्टर हैरिस क्रिश्चन और उनकी टीम, उनका बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करती हूँ फॉर प्लेइंग रियली रियली वेल। जैसे कि आनंद जी ने आपको बताया कि आज के जो गाने हैं वो बहुत ही रेयर हैं, बहुत डिफरेंट हैं। वो खुद किशोरदा के गाने इतने सालों से गा रहे हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि 80% ऑफ सॉन्ग्स वो आज पहली बार गाएंगे, तो हम सब के लिए ये बहुत नया है। जितना नया आपके लिए है उतना ही हमारे लिए है, पर हम कोशिश करेंगे कि आज की शाम को जितना हम अपनी तरफ से बेस्ट कर सकें उतना हम ज़रूर करेंगे। दोस्तों, फिल्म चोरनी से ये गाना था, इसके बाद एक और बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक गाना हम आपको सुनाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी हो या संगीत की महफिल, एक मोड़ ऐसा आता है जब दो लोगों को एक होना पड़ता है, और प्रोग्राम का वो मोड़ आ चुका है। अब बारी है आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के पहले ड्यूएट गाने की। बारिश और बॉलीवुड, ये जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी हमने कुछ गिने चुने गानों को ही बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया है, लेकिन बारिश पर और भी कई सारे खूबसूरत गाने बने हैं, जिसमें से ये एक बहुत ही खूबसूरत गाना आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो पेश करते हैं आज का पहला दो गाना, फिर से एक बार आपके साथ है आनंद विनोद एंड पायल वैद्य। दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेक्टिव सॉन्ग, ध्यान से सुनिए आप, देखिए। Yeah.
दे भीग जाएंगे, अरे बारिश तेज है। छतरी न खोल उड़ जाएंगे, हवा तेज है। अरे खोलने दे ये भीग जाएंगे, अरे बारिश तेज है। खोलने दे ये भीग जाएंगे, अरे बारिश तेज है। छतरी न खोल उड़ जाएगी। बेहद खूबसूरत ये गाना, फिल्म दो झूठ से ये गाना 1975, मौसमी चटर्जी जी और विनोद मेहरा जी पिक्चराइज्ड ये गाना था, और किशोरदा के साथ उषा मंगेशकर जी की आवाज़ थी। उषा जी का ये स्टाइल ऑफ सिंगिंग हम बहुत कम देखते हैं, लेकिन आज इस गाने के माध्यम से उनका भी ये अंदाज़ हमें सुनने को मिला, जो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज के इस प्रोग्राम में खास तौर पर शंकर जयकिशन फाउंडेशन के श्री स्नेहल भाई पटेल, श्री चिराग भाई पटेल, श्री पद्मनाभ भाई जोशी, श्री संजय भाई कंथारिया, श्री सौरिन भाई झरवरमाला, श्री उदय जोगलेकर, श्री राजन बेड़के जी, श्री चंदू भाई बारदानवाला जी, श्री श्याम शंकर शर्मा जी और टीम SJMF अहमदाबाद से जुड़े हमारे श्री दिलीप सिंह जी ठाकुर, श्री रमेश शर्मा जी, श्री श्रीधर कुलकर्णी जी, श्री मानिक बजाज जी, श्री शरद अधव जी,
और श्री संदीप आपडे जी, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और बैक ऑफिस में हमें जितने भी लोग सपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर पर हिरेन जी, आपका भी हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। मिनेश वाघेला जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फिर से एक बार आप सब ने मुझे ये मौका दिया है कि शंकर जयकिशन फाउंडेशन की इस हसीन शाम को मैं अपने शब्दों से सजा सकूं। तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अगले नगमे की ओर चलते हैं। सेम थिंग विद आशा जी। आशा जी का भी जब हम नाम लेते हैं तो ज़्यादातर हम ओपी नैयर का जिक्र करते हैं, आर डी बर्मन साहब का जिक्र करते हैं, एस डी बर्मन दा का भी जिक्र हो जाता है, लेकिन शंकर जयकिशन जी के संगीत निर्देशन में भी आशा जी का एक अलग रंग हमें नज़र आता है। और एक ऐसा रंग जो बहुत ही मीठा है, बहुत ही सुरीला है। ऐसा रंग, एक बहुत ही पॉपुलर गाना अब यहाँ से हम पेश करने जा रहे हैं। बहुत ही रिदमेटिक, बहुत ही खूबसूरत गाना है। और आई थिंक पायल जी भी अपने आप को खुशकिस्मत समझती होगी कि इस तरह के गाने आशा जी के आज उन्हें भी गाने का मौका मिल रहा है। तो एक बहुत ही खूबसूरत गाना, कौन सा, मैं राज रखती हूँ, आप पायल जी की आवाज़ से सुनेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जी हाँ, गाने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगी परी कि अभी आपने जो कहा कि पायल जी को भी इसी तरह का फीलिंग हो रहा होगा, जी हाँ मुझे हो ही रहा है, क्योंकि जैसे आनंद जी ने कहा कि 80% गाने उन्होंने पहली बार सुने हैं। मी टू, मेरी भी ऐसी ही हालत है। तीन चार ऐसे ही नगमे हैं जो मैंने गाए हैं स्टेज पर, मैंने सुने हैं, लेकिन आज पता चला कि शंकर जयकिशन दा कितने महान संगीतकार हैं, कि इतने सारे गाने हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं, वो शंकर जयकिशन फाउंडेशन के थ्रू हमें गाने का मौका मिल रहा है। तो वंस अगेन आई एम रियली थैंकफुल टू चिराग भाई, चिराग पटेल जी, सौरिन झरमरवाला जी एंड शंकर जयकिशन फाउंडेशन कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। थैंक यू सो मच। और लीजिए ये गाना, आई होप आप सबको पसंद आएगा। सुनी सुनी रतिया सजना, बिजुरी जो चमके धड़क जाए छतिया
से तू ही समझा पालमा, हाय मोरी अंग लग जा पालमा। मैं अकेली पिया लजी मोरा जिया, ऐसे में तू न जा, मोरी अंग लग जा बहुत खूबसूरत। ये जो गाना आपने सुना, पहली बात तो आशा जी ने इतने छोटे छोटे वेरिएशंस लिए हैं उन्होंने इस गाने में, हर लाइन में एक नई हरकत है। एक लाइन जो बार बार रिपीट होती है उसमें उन्होंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे में गाया है, तो ये जो बात है वो बहुत ही मुश्किल है और पायल जी ने बहुत ही खूब निभाया। ऊपर से हमारा जो रिदम सेक्शन है उन्होंने भी बखूबी इस गाने को निभाया, क्योंकि इस गाने की जो खूबसूरती थी वही थी इंडियन रिदम, जो तबला ढोलक वो जो बजते हैं उससे जो एक अलग ही खूबसूरती हमें महसूस होती है गाने में, बहुत ही खूब इन्होंने सब ने साथ मिलकर निभाया इस गाने को। अगला जो गाना है ये भी एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का गाना है। हमने बहुत सारे किशोरदा के गाने सुने हैं, हमें पता है कि वो यॉडलिंग्स और वो सब करते हैं, वो उनका एक्चुअल सिंगिंग स्टाइल है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर गाना है उसमें बीच बीच में कहीं आनंद जी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई ओपेरा सिंगिंग या रोमन थिएटर्स में जिस तरह का सिंगिंग होता है उस तरह का म्यूज़िक, उस तरह का वॉइस मॉड्यूलेशन किशोरदा का हमने देखा, और आई डोंट थिंक किसी और गाने में इस तरह का हमने कभी देखा है। क्योंकि बहुत बार मैंने आनंद जी के साथ भी प्रोग्राम्स किए हैं तो मैं ये बात उनसे डेफिनेटली शेयर कर सकती हूँ कि जितना हमने साथ काम किया है मुझे नहीं लगता कि आपको भी इस तरह का कुछ फ्लेवर गाने का मौका मिला होगा। तो आई थिंक दिस इज़ टोटली डिफरेंट फ्लेवर ऑफ किशोर कुमार, जो मुझे नहीं लगता कहीं और किसी गाने में आपने नोटिस किया होगा। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, फिल्म उमंग का ये गाना है, पार्टी सॉन्ग है। अगेन इट्स अ वंडरफुल रिदमेटिक नंबर, आई होप यू ऑल विल लव दिस। थैंक यू। आई थिंक दिस टाइप ऑफ सॉन्ग्स इज इट ग्रूम्स यू एज एन आर्टिस्ट। यस डेफिनेटली। सो मैंने इन गीतों में ये फील किया, महसूस किया, सुनिए आप। अरे प्यार पे कोई बस तो नहीं है कहे दीवाना दिल, प्यार पे कोई बस तो नहीं है कहे दीवाना दिल, वो जिससे हो जाए हो जाए हो जाए, वो जिससे हो जाए हो जाए हो जाए। अरे प्यार पे कोई बस तो नहीं है कहे दीवाना दिल, प्यार पे कोई बस तो नहीं है कहे दीवाना दिल, वो जिससे हो जाए हो जाए हो जाए, वो जिससे हो जाए हो जाए हो जाए। क्या खबर है किधर हो रवानी, प्यार गंगा का जमुना का पानी है, जहां में फसाने हजारों पर अनोखी है इसकी कहानी। अरे प्यार पे कोई बस तो नहीं है कहे दीवाना दिल, अरे प्यार पे कोई बस तो नहीं है कहे दीवाना दिल, वो जिससे हो जाए हो जाए हो जाए, वो जिससे हो जाए हो जाए हो जाए।
क्यों उलझता है हमसे जमाना, जिसको आता नहीं दिल लगाना। हमसे सीखे मोहब्बत में जीना, हम बदल देंगे दिल का फसाना। अरे प्यार पे कोई बस तो नहीं है कहे दीवाना दिल, प्यार पे कोई बस तो नहीं है कहे दीवाना दिल। वो जिससे हो जाए हो जाए हो जाए, वो जिससे हो जाए हो जाए हो जाए। अरे प्यार पे कोई बस तो नहीं है कहे दीवाना दिल, प्यार पे कोई बस तो नहीं है कहे दीवाना दिल। वो जिससे हो जाए हो जाए हो जाए, वो जिससे हो जाए हो जाए हो जाए। थैंक यू वेरी मच। और डेफिनेटली मैं हमारे जो ड्रम पर जो आर्टिस्ट हैं पिनाकिन जी, उनको मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहूँगी फॉर प्लेइंग सो वेल। और इस तरह के गानों को प्ले करने के लिए एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत होती है, और पिनाकिन जी हमारे फ्रेटर्निटी के बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। और इस तरह के गानों को निभाने के लिए दोस्तों एक रिहर्सल से कुछ नहीं होता, सालों का रियाज मिलाकर इस तरह के परफॉर्मेंस हम दे पाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में प्रैक्टिस कर ली तो ये गाना आप तक पहुँच गया। जितने भी कलाकार आज यहाँ पर हैं वो न जाने कितने सालों से संगीत के साथ जुड़े हुए हैं, कितना रियाज करते हैं, कितना उनका म्यूज़िक लिसनिंग का जो स्किल है उसे डेवलप करते हैं, तब जाके वो इस तरह के गाने आपके सामने परफॉर्म कर पाते हैं। तो इट्स अ डेली रूटीन, उनकी ज़िंदगी का रूटीन है कि हर रोज़ रियाज करना, अच्छा सुनना और उसके बाद आप तक इस तरह के गाने पहुँचाना। सो आई रियली अप्रिशिएट ईच एंड एवरी आर्टिस्ट कि जिन्होंने इतनी मेहनत की है इस शो को, इन गानों को इस लेवल पर पहुंचाने के लिए। दोस्तों अब की बार एक और बहुत ही रोमांटिक गाना आपका इंतज़ार कर रहा है। हम सब जानते हैं कि किशोर कुमार और आशा जी की जो इट्सेल्फ केमिस्ट्री है, मीन्स बहुत ही अनोखी, बहुत ही धमाकेदार। पंचम दा ने तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इन दोनों आर्टिस्ट के साथ किए ही हैं, लेकिन शंकर जयकिशन जी ने भी जब म्यूज़िक बनाया तो डेफिनेटली जहन में ये रखा होगा कि गाना किशोर दा और आशा जी गाने वाले हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए ही संगीत निर्देशन किया हो ऐसा हमें कुछ गानों में महसूस होता है, और ये भी उनमें से एक गाना है। अगेन वंडरफुल ऑर्केस्ट्रेशन, वंडरफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म आंखों आंखों में। और आशा जी और किशोर दा आते तब इंटरेक्शन तो होता ही। यस डेफिनेटली, बगैर गीत होता ही नहीं है। दो बातें प्यार भरी कर लो, कर लो जी आँखों में आज तुझे भर लो, भर लो जी दो बातें प्यार भरी कर लो, कर लो जी आँखों में आज तुझे भर लो, भर लो जी। समझा ले मुखड़ा तेरा छुपाती है, अच्छा अरे चुनरी को समझा ले मुखड़ा तेरा छुपाती है, लट तेरे कालों पर झूम झूम के आती है। नागन को जरा इधर कर लो, कर लो जी आँखों में आज तुझे भर लो, भर लो जी। गुरुवारी
अच्छा जी पूरब का संदेशा जब गुरुवाई लाती है थम जाए धड़कन भी नींद प्यार को आती है कांधे पे सर अपना धर लो जी वो बातें प्यार भरी कर लो जी आँखों में आज तुझे भर लो जी हे वो बातें कर लो जी आँखों में भर लो जी मैंने इससे पहले वाले गाने में मेरे इस तरफ बैठे हुए कलाकार को अप्रिशिएट किया था. इस गाने में मेरी उस तरफ बैठे हुए कलाकार को मैं अप्रिशिएट करूंगी. गिटार पर, लीड गिटार पर केविन क्रिश्चियन हैं. सबसे यंगेस्ट आर्टिस्ट हैं हमारे ग्रुप के, सबसे छोटे हैं. और उनके बाजू में उनके पिताजी हैं हैरिस क्रिश्चियन, जो हमारी टीम लीड कर रहे हैं. और केविन ने अपने पिताजी के जन्म के पहले के गाने इतने खूबसूरती से वो बजा रहा है. इसमें स्पेशली लीड गिटार के कुछ खूबसूरत पीसेज उसने बजाए. आई रियली रियली अप्रिशिएट हिम. तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत गाना. दोस्तों आशा जी का भी मैं एक स्पेशल जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगी. मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइव सिंगिंग और रिकॉर्डिंग्स का जो सिंगिंग होता है उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है. जब आप रिकॉर्डिंग में गाते हैं तो आपको पहले ये ध्यान में रखना होता है कि सिचुएशन कौन सी है, कौन से एक्टर के ऊपर आप गाना गा रहे हैं, फिल्म में डिमांड क्या है, गाने की डिमांड क्या है, और उसके हिसाब से कौन से एक्सप्रेशन आपको गाने में देने हैं, वो सब समझकर प्लेबैक सिंगिंग करना होता है. अगर गाने में एक्सप्रेशन नहीं आए तो एक्टर ऑन स्क्रीन जितना भी फेस से एक्सप्रेशन दे दे उसका कोई मतलब नहीं है. एक्चुअल एक्सप्रेशन सिंगिंग से आते हैं और आशा जी इसमें माहिर थी. इतनी एक्सप्रेसिव सिंगिंग वो करती थी कि क्या बताएं. ऐसा लगता था कि कोई एक्टर गाना गा रहा है. ऐसा कभी ऐसा महसूस नहीं होता था कि वो सिर्फ एक सिंगर है. उनके अंदर कहीं ना कहीं एक एक्ट्रेस थी जो इस तरह के मॉड्यूलेशंस करती थी. और अगला जो गाना है वो हम पेश करने जा रहे हैं वो भी आशा जी का एक बहुत ही यूनिक गाना है, रेयर गाना है. आशा करते हैं कि आप सबको पसंद आएगा. बिजली हूँ मैं तो
वाओ मार्वलस, बहुत ही हाई पिच का गाना है. आशा जी सेल्फ जिस स्केल में गाती थी, किसी भी आर्टिस्ट के लिए उस पर्टिकुलर स्केल में गाना, वो भी लाइव में, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है. एक और बात पायल जी की और आशा जी की बहुत मिलती है, जो मैं हमेशा नोटिस करती हूँ, आज इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगी कि आशा जी ने कई बार बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कहा है, जब भी वो रियलिटी शो के जज के रूप में जब भी आती थी, तब भी वो हमेशा कंटेस्टेंट से कहती थी कि जब भी आप गाएं ना तो मुंह खोल कर गाएं, क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग में आप क्या गा रहे हैं, क्या शब्द गा रहे हैं, वो सुनना वो बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि कई बार अगर मुंह बंद कर दिया तो समझ में नहीं आ रहा प्रोनाउंसिएशन क्या है. तो वो हमेशा जितने भी कलाकार होते थे उनको ये हमेशा कहती थी कि मुंह खोल कर गाया कीजिए. और जब भी मैं पायल जी को नोटिस करती हूँ, वो भी फुल फ्लेज में पूरा मुंह खोल के गाती हैं, इसलिए उनके जो प्रोनाउंसिएशंस हैं वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सुनाई देते हैं. जो जो क्वालिटी आप आशा जी के साथ शेयर करती हैं बहुत अच्छी लगती है मुझे. और हम भी जब थोड़ा बहुत गाते हैं तो मेरी मम्मी आशा जी का तो एग्ज़ाम्पल नहीं देती, लेकिन पायल जी का एग्ज़ाम्पल ज़रूर देती हैं कि पायल जी की तरह मुंह खोल कर गाओ, क्या गा रही हो सुनाई नहीं दे रहा है. तो हमारे लिए ये सीखने वाली बात है, ऐसे एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट से हम सीख पाते हैं. अगले नगमे की ओर चलते हैं. मैंने कहा कि आशा जी के अंदर तो डेफिनेटली एक एक्ट्रेस थी, किशोरदा तो इट्स सेल्फ एक्टर थे, कई सारे गाने उन पर पिक्चराइज्ड हुए, उन्होंने खुद पर पिक्चराइज्ड गाने गाए भी. लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि किशोर कुमार दिल से तो एक सिंगर ही थे. उनके भाई अशोक कुमार हमेशा से चाहते थे कि किशोर कुमार एक एक्टर बने, सुपरस्टार बने, लेकिन कहीं ना कहीं किशोरदा की आत्मा संगीत के साथ जुड़ी रही. और एक समय के बाद उन्होंने स्टैंड लिया कि मुझे सिर्फ म्यूज़िक करना है, मुझे सिर्फ संगीत को ही अपना जीवन समर्पित करना है. और उसके बाद जो किशोरदा का एज अ सिंगर हमने ग्राफ देखा, महसूस किया, वो कुछ और था. ये जो पर्टिकुलर गाना है वो किशोरदा पे ही पिक्चराइज्ड है, उनका ही अंदाज, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी. बहुत ही मज़ेदार ये गाना है, तो साथ में मिलकर सुनते हैं. उनका जो मजाकिया, जो कॉमेडी वाला जो पर्टिकुलर स्टाइल है, उसे हम एक्सपीरियंस करेंगे इस गाने में. अरे भाई निकल के आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से, ओए अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से. केम होंगे छे भाई घन श्याम जी हो, केम होंगे छे भाई घन श्याम जी, ओ दुनिया बदल गई प्यारे, आगे निकल गई प्यारे, अरे दुनिया बदल गई प्यारे, आगे निकल गई प्यारे, अंधे कुएं में छुप के क्यों बैठा हुआ है मन मारे, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख फिर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से. तुला भीती ही कसली वाट दे रे, तुला भीती ही कसली वाट दे, ओ पानी को तेल को छोड़ा, बिजली की रेल को छोड़ा, अरे पानी को तेल को छोड़ा,
बिजली की रेल को छोड़ा, कल चांद और तारों में पहुंचेगा एटमी घोड़ा। अरे भाई निकल के आ घर से दुनिया की रौनक देख फिर से, देख फिर से। अरे भाई निकल के आ घर से केनो भापेन ओ कारुने मुंशी बाबू रे, ओ केनो भापेन ओ कारुने मुंशी बाबू। ओ कल जो था कल रहा होगा, आगे की सोच क्या होगा। अरे कल जो था कल रहा होगा, आगे की सोच क्या होगा। टूटी पुरानी ठपली पे तू कल का मरसिया मत गा। अरे भाई निकल के आ घर से अरे भाई निकल के आ घर से दुनिया की रौनक देख फिर से, वो देख फिर से। दुनिया की रौनक देख फिर से, वो देख फिर से। अरे भाई निकल के आ घर से अरे भाई निकल के आ घर से थैंक यू। क्या बात है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप घर से मत निकलिए, ज़रूरत हो तब भी निकलिए। अभी पैंडेमिक का दौर चल रहा है, सो यू हैव टू स्टे होम। और इस तरह के म्यूज़िकल प्रोग्राम घर पे बैठकर आप मोबाइल स्क्रीन पे या टीवी स्क्रीन पे इन्जॉय कीजिए, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी आ गई है। हमारे अहमदाबाद में तो कुछ एरियाज़ में कर्फ्यू लग गया है, 10 बजे के बाद बहुत कुछ बंद होने लगा है। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि स्टे होम एंड स्टे सेफ। गाना कुछ भी कहे उस पे मत जाइए, जो सिचुएशन है उसको फॉलो कीजिए। सो नाउ अगले नगमे की ओर बढ़े उससे पहले मैं हमारे दो आर्टिस्ट को और इस गाने के बाद अप्रिशिएट करना चाहूँगी। कॉन्गो ढोलक पर हमारे साथ हैं संदीप बाथम जी, तबला पर हमारे साथ हैं अमन जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से साथ दिया उनका, क्योंकि इस गाने का फ्लेवर ही अगेन तबला ढोलक का जो फ्लेवर था वो था, तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत निभाया। उनके लिए मैं उन्हें धन्यवाद करती हूँ। अब एक और ऐसा ही खूबसूरत गाना, ड्यूएट गाना है, किशोरदा की ब्यूटीफुल वाइफ पे पिक्चराइज्ड, लास्ट एंड फाइनल वाइफ, आखिरी वाइफ पे पिक्चराइज्ड, लीना चंद्रावर जी पे पिक्चराइज्ड ये गाना किशोरदा ने गाया। फिल्म का नाम मैं सुंदर हूँ, वैसे मैं भी कह सकती हूँ मैं भी सुंदर हूँ, लेकिन ये फिल्म का नाम है। बहुत ही खूबसूरत गाना, आई होप यू ऑल विल लव दिस। ये ड्रीम सीक्वेंस है, बहुत अलग सा गाना है, आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। छोड़ के
पीछे दुनिया को जान चले किस ओर। अब चाहे ये सपना हो मैंने तो सच माना, तू ही मेरा साजन है मैंने तुझे पहचाना। अब चाहे ये सपना हो मैंने तो सच माना, दीपक बाती जीवन साथी एक मैं हूँ एक तू। पुरकु 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 पुरकु, दो मस्ताने दो दीवाने एक मैं हूँ एक तू। पुरकु 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 पुरकु। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, लता जी और आशा जी का जो युग शुरू हुआ जिसे हम गोल्डन एरा कहते हैं, उससे पहले एक युग था जो था ग्रामोफोन एरा। उस पर्टिकुलर टाइम में 40s 50s में कुछ और बहुत ही हसीन आवाज़ें थीं जिन्होंने भारतीय फिल्म जगत पर राज किया, जिसमें से एक नाम मैं इस मोड पर लेना चाहूँगी और वो है गीता दत्त जी। बहुत अलग उनका सिंगिंग स्टाइल था, चाहे सेंटिमेंटल गाने हो तो भी वो इतना दिलकश अंदाज से निभाती थी, क्लब सॉन्ग्स भी वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभाती थी। गीता दत्त जी ने वैसे तो ज़्यादातर ड्यूट्स जो थे वो रफ़ी साहब के साथ गाए थे, लेकिन किशोरदा के साथ भी कुछ गानों में उनका कोलाब्रेशन रहा, जिसमें से ये एक गाना है शंकर जयकिशन जी के संगीत निर्देशन में, बहुत ही प्यारा सा गाना फिल्म शरारत से 1959 का ये गाना है, किशोरदा और मीना कुमारी जी पे पिक्चराइज्ड है, बहुत ही मीठा गाना, चलिए साथ मिलकर सुनते हैं। तूने मेरा दिल लिया, तेरी बातों ने जादू किया, हाय ना जाने क्या कर दिया, ये तेरे प्यार की जीत है। आंखों पे हम तो फिदा, तेरी जुल्फे है काली घटा, मार डालेगी जालिम अदा, यूं ना तू प्यार से मुस्कुरा। हंसी पर मिटा, तेरा पलकों की चिलमन उठा, मेरी आंखों से आंखें मिला, तू मेरी मैं तेरा हो गया। तूने
था मैं भी रूठकर हुआ मेरे दिल पे वो असर। जुल्फे नमू पे डालो फिर जलों की लगेगी नजर। लूटा नजर ने तेरी हाय कहती है दिल की लगी। देख तू है मेरी जिंदगी प्यार से दिल तुझे दे दिया। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अलग सा गाना और पर्टिकुलरली मैं जितने हमारे कीबोर्डिस्ट हैं उनको मैं मेंशन करना चाहूँगी। बहुत ट्रिकी प्लेइंग है इस पर्टिकुलर गाने में उनका। तो हमारे साथ एक अहमदाबाद के बहुत ही अच्छे ऑर्गन प्लेयर हैं महेश जी यहाँ पर हैं, बहुत ही यंग बहुत ही टैलेंटेड रौनक यहाँ पर है। उनके साथ एक और बहुत ही यंग आर्टिस्ट हैं राहुल कृष्ण, कीबोर्ड के साथ सैक्सोफोन भी है वो बजा रहे हैं। तो आज दो प्ले रोल्स हैं जो वो प्ले कर रहे हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। परीक्षा आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। ये गाने जितने सुनने में इजी लगते हैं कि भाई सुन लिया खत्म, दो मिनट का गाना है सुन लिया, अब जब गाओगे तब पता चलेगा कि कैसे कैसे उन्होंने सुर जो कंपोज किया है। पायल ने मुझे कल यही मेरे साथ डिस्कस किया, मुश्किल है निभाना इस तरह के गानों को। अगले नगमे की ओर चलते हैं। बहुत सारे फीमेल ओरिएंटेड सॉन्ग्स हम सुनते हैं बॉलीवुड में, कई सारे बहुत पॉपुलर हुए हैं लता जी आशा जी के। ये भी एक ऐसा गाना है, ऐसा गहना है मैं तो कहूँगी श्रृंगार का, जिसका शायद हमने अब तक बहुत ज़्यादा उपयोग ही नहीं किया है संगीत के माध्यम से। बहुत ही खूबसूरत गाना है, एक स्त्री एक वैवाहित स्त्री के जीवन से जुड़ा ये गाना है। बहुत खूबसूरत इसके लिरिक्स हैं, शैलेंद्र जी ने बहुत खूब अंदाज से इसे लिखा है। और ये जो फीलिंग है एक लेडी की एक स्त्री की वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयां हुई है। फिल्म का नाम भी बहुत फेमिनिन है, हरे कांच की चूड़ियाँ, जो इटसेल्फ एक विवाहित स्त्री को रिप्रेजेंट करता है। और उसी फिल्म का टाइटल गाना यहाँ से हम पेश करने जा रहे हैं। और ये गाना आपको पसंद आए तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में अपना अप्रिसिएशन लिख सकते हैं। जैसे पहले भी मैंने कहा, आज भी मैं कह रही हूँ कि जितने भी गाने हैं दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म लाइव, और हमारे सभी कलाकार इतने मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उनको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर फ्रॉम द फिल्म हरे कांच की चूड़ियाँ। छूटा वो बालापन, खेली मैं जिसके संग
अगेन मैं कहूँगी टेक्निकली ये गाना बहुत डिफ़िकल्ट था और जो हरकतें छोटी छोटी आशा जी लेती हैं पसीना निकल जाता है सुनते सुनते ही, तो गाने में तो आप समझ पाते होंगे कि सिंगर को कितना रियाज करना पड़ता है। जनरली किशोरदा का जब भी जिक्र होता है हम ज़्यादातर रोमांटिक गानों के बारे में सोचते हैं, मस्ती भरे गानों के बारे में सोचते हैं, डांस नंबर्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन किशोरदा का एक अलग अंदाज है। सेंटिमेंटल जो उनके गाने हैं, जो दर्द भरे गाने हैं, वो जो अंदाज़ वो भी बहुत उनका खूबसूरत है। जो पावर है उनकी आवाज़ में, जो बेज़ है, इतने स्ट्रेट नोट वो परफेक्टली सुर लगाते हैं कि सीधा तीर की तरह वो सुर आते हैं और हमारे दिल के पार हो जाते हैं। और किशोरदा के गाए हुए नगमे हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, ज़्यादा हमारी ज़ुबान पर रहते हैं। तो एक बहुत ही अलग, अब तक हमने जितने गाने सुनाए उससे बहुत अलग ये गाना, टोटली डिफरेंट फ्लेवर का गाना हम आपको सुना रहे हैं फिल्म जाने अनजाने से। दोस्तों गीत शुरू करने से पहले आई वांट अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर परिशी वर्मा फॉर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वंडरफुल जॉब, क्योंकि ऐसे थीमेटिक शो में समा बांधना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और दूसरा मिस्टर हैरिस क्रिश्चियन उनकी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां, थैंक यू वेरी मच। जाने अनजाने लोग मिले मगर कोई मिला न अपना, जाने अनजाने लोग मिले मगर कोई मिला न अपना, क्या क्या हमने सोचा था रह गया बन के सपना, ओ जाने अनजाने मिला न कोई ऐसा इंसान दिल का दर्द मिटाता, कम से कम दो बात तो करता दिल की आस बंधाता, मिला न कोई ऐसा इंसान दिल का दर्द मिटाता, कम से कम दो बात तो करता दिल की आस बंधाता। दर्द भरा है अफसाना भाग में लिखा तड़पना, ओ जाने अनजाने लोग मिले मगर कोई मिला न अपना, जाने अनजाने आस निराश के दो राहे पर दिल तो हमारा टूटा, इस किस्मत ने धीरे धीरे अपना सब कुछ लूटा, आस निराश के दो राहे पर दिल तो हमारा टूटा, इस किस्मत ने
धीरे धीरे अपना सब कुछ लूटा। भीग चुकी है ये पलके, भूल गए हम हंसना। ओ जाने अनजाने लोग मिले, मगर कोई मिला न अपना। क्या क्या हमने सोचा था, रह गया बन के सपना। ओ जाने अनजाने। थैंक यू। बहुत ही हसीन ये गाना था। एक बात मैं ज़रूर इस मोड पर कहना चाहूँगी दोस्तों, जो लेजेंडरी सिंगर्स हैं, जो लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, जिनके गाने हम यहाँ पर सुनते हैं और न जाने कितने सालों से सुनते आए हैं, आने वाले कई सालों तक विरासत के रूप में ये गाने हमारे पास हम संजो कर रखने वाले हैं। ये जो कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर की हमें एक गिफ्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो हमसे ज़्यादा, लेजेंडरी सिंगर्स से ज़्यादा रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, संगीत को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ उनके सितारे ऐसे होते हैं, उनकी किस्मत ऐसी होती है, हम सबकी मोहब्बत ऐसी होती है कि जिसकी वजह से वो बहुत बहुत बड़े बन जाते हैं। और ऐसे ही बड़े नाम में से एक नाम है किशोर कुमार। बेसिकली वो एक ट्रेंड सिंगर नहीं थे, आप कंपेयर कीजिए लता जी से, आशा जी से, रफ़ी साहब से, वो ट्रेंड नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ में वो कशिश थी, वो एसेंस था कि जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई और न जाने हमारे प्यार ने उन्हें कुछ और ही लेवल पे पहुंचा दिया, बहुत बड़ा बना दिया। तो ये कहीं ना कहीं किस्मत है, कहीं ना कहीं उनके सितारे ऐसे हैं जो वो उस मकाम पर पहुँचे, और आज उन्हीं की छत्र छाया में उन्हीं के गीतों को हम गाकर कहीं ना कहीं उनकी किस्मत को हमारी किस्मत के साथ जोड़कर हम आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों एक और बहुत ही प्यारा सा गाना, अगेन एक कन्वर्सेशनल सॉन्ग, ये तीसरा गाना है जिसमें अगेन एक कन्वर्सेशन की बात है, लेकिन इसका जो अंदाज़ है ना वो थोड़ा सा मॉडर्न है। इस गाने को सुनकर लगता है जैसे आज के ज़माने का, शायद 90s या 2000 के दौर का ये गाना होगा, ना कि 60s 70s के दौर का। बहुत मॉडर्न म्यूज़िक है इसका, और वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी हमारे सिंगर्स जो हैं उस ज़माने के, उनका भी काफ़ी मॉडर्न रहा। आशा करते हैं कि ये अंदाज़ आपको पसंद आएगा। रणधीर जी और बबीता जी, रियल लाइफ कपल पे पिक्चराइज्ड ये गाना है, फ्रॉम द फिल्म कल आज और कल। हेलो, आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए। पहले जरा आप मुस्कुराइए। आप यहाँ आए किस लिए? अजी आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए। ना ना, पहले जरा आप मुस्कुराइए। मुस्कुराने की ना कोई बात है। अच्छी देखिए तो क्या हसीन रात है। ओह काम तो बताइए बताइए। ना ना ना, पहले जरा आप मुस्कुराइए। आप यहाँ आए किस लिए? बिना है हाँ? नींद नहीं आती है या तेरी आकर रोज तड़पाती है। अपना बना लो हाथ, जरा थाम लो, बार बार पूछो ना क्या? दिल से भी काम लो, काम तो बताओ।
वादा है। बोलो बोलो। आज लेना एक वादा है। क्या? आजा आजा शादी का इरादा है। क्या क्या? शादी का इरादा है। शादी और तुमसे? शादी का इरादा है। शादी? ना बाबा ना। क्या कहती हो? शादी तो बर्बादी है। क्या कहती हो? शादी आजादी है। क्यों? बाय बाय मोना। अरे सुनो तो मोना। ओहो आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया किस लिए? आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए। हाँ काम तो बताइए। काम? हाँ काम सीधा सादा है, लेना एक वादा है। अच्छा प्यार को निभाओगे? निभाऊंगा। हाँ भूल तो न जाओगे? ना भूलूंगा। डोली लेके आओगे? आऊंगा। शादी भी रचाओगे? रचाऊंगा। सुनने मत दिखाओगे? दिखाऊंगा। हाँ खाना भी पकाओगे? पकाऊंगा। भी खिलाओगे? खिलाऊंगा। रोज ना सताओगे? कभी नहीं। फिर तो हम तुम्हारे हैं। वेरी गुड। तेरे ही सहारे हैं। जॉली गुड। दिल भी तुम्हारा है। क्या कहने हैं? हम भी तुम्हारे हैं। वाह 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 वाह। हम भी तुम्हारे हैं। वाह वाह वाह। आए इसलिए? आपने बुलाया इसलिए? आए हैं तो काम भी बताइए। पहले जरा आप मुस्कुराइए। पहले जरा आप मुस्कुराइए। पहले जरा आप मुस्कुराओ। पहले जरा आप मुस्कुराओ। पहले जरा मुस्कुराइए। थैंक यू। माई गॉड दैट वॉज फैंटेस्टिक। फैंटेस्टिक। बहुत बहुत मज़ा आया।
अगेन ऑडिटोरियम में अगर हम होते तो डेफिनेटली ये गाना वंस मोर होता, लेकिन आज यहाँ पर जिस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत बहुत मज़ेदार। अब तक एक आर्टिस्ट का मैं नाम ले लेती हूँ, हमारे भाविक डावी यहाँ पर हैं ऑन ऑक्टापेड और सैम्पलर पे, इनका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जितने भी आप स्पेशल इफ़ेक्ट्स सुनते हैं वो वहीं से आती हैं, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। वैसे ये जो गाना अभी अभी आपने सुनाया, इसमें एक अंतरा आता है कि सिनेमा दिखाओगे, खाना तुम बनाओगे, ये मुझे लगता है मैं भी ये गाना अपने फियांसे को सुना दूँ, मैं बहुत रिलेट कर रही थी कि तुम हाँ बोलो फिर हम डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये गाना सुनकर। अब आगे चलते हैं एक और बेहतरीन बेहतरीन गाना। किशोरदा रियल लाइफ प्रैंक्स बहुत किया करते थे, हम सब जानते हैं। उनके घर के बाहर उन्होंने लगा दिया था बोर्ड बी वेयर ऑफ़ किशोर लगा दिया था, जैसे हम बी वेयर ऑफ़ डॉग्स लगाते हैं। तो पहले तो लोग पढ़ते हैं तो मजाक उड़ाते हैं कि यार ऐसा कौन लिखता है, लेकिन एक बार एक प्रोड्यूसर उनके घर आए थे, उनका पेमेंट बाकी था और किशोरदा ने उन्हें काट लिया और उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो किशोरदा, ऐसा कौन करता है, तो बोले आपने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा बी वेयर ऑफ़ किशोर। लेकिन सिंगिंग के मामले में भी है ना, ये बोर्ड बहुत सही जाता है कि बी वेयर ऑफ़ किशोर। उनके बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा हमें दिखाते हैं कि मैं आ गया हूँ, देखो मैंने ये गा लिया है, यू नो उनका पर्सनैलिटी इस तरह का था कि देखो मैं हूँ, मैं भी गाता हूँ इस तरह के गाने, यू नो जो लोग इतना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं सिंगिंग के लिए भी वो टैग बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होता है जब किशोरदा का हम नाम लेते हैं। एक और बहुत ही प्यारा सा गाना है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का गाया हुआ, किशोर कुमार जी पे ही पिक्चराइज्ड, उनके साथ ऑन स्क्रीन वैजयंती माला जी। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म रंगोली। एक नजर किसी ने देखा और दिल हुआ दीवाना, है बात बस इतनी सी और बन गया अफसाना। गलियों की अखियों से छलका खुमार, चोरी चोरी बगिया में आई जो बहार, गलियों की अखियों से छलका खुमार, चुप चुप किसी से नजर हुई चार, कोई दिल जीत गया कोई गया हार। मन मेरे झूम तारों को छूम आया तेरा जमाना, एक नजर किसी ने देखा वेरी मच।
दोस्तों हिलन जी की अगर बात करें तो उनके करियर के मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स उनके लिए आशा जी ने गाए थे, और उस ज़माने में जितने भी एक्टर्स होते थे, चाहे वो सिंगर हो, एक्टर्स हो, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। आशा जी ने एक लाइव शो में कहा था, हिलन जी सामने बैठी थी, कि हिलन जी अगर मैं लड़का होती ना तो मैं आपसे शादी कर लेती। इतनी आशा जी फ़ैन थी हेलन जी की, और मुझे भी हेलन जी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी उनको डांस करते हुए देखते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं, और उसके बाद कोई भी अदर इंडियन एक्ट्रेस या डांसर को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि नहीं, हेलन जी जैसी बात उनमें नहीं है। उनके जैसी डांसर मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई सालों में हमें कोई और मिलेगी। वी शुड डेफिनेटली अप्रिशिएट हर टैलेंट ऑफ डांसिंग, उनके जैसा कोई नहीं है। शी इज़ फैबुलस। तो उन पे पिक्चराइज्ड एक और बहुत ही खूबसूरत गाना, ज़्यादातर जितने भी कमर्शियल गाने हैं, पिया तू अब तो आ जा एंड ऑल दैट, वो तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन ये जो गाना है वो बहुत ही अलग है, बहुत डिफरेंट है। आशा करते हैं अगेन कि आप सबको पसंद आएगा। बहुत अच्छा गाना, बहुत डिफ़िकल्ट था ये गाना टाइमिंग के हिसाब से, अगर आप देखें इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत ही प्रिसाइजली इस गाने को निभाना पड़ता है कि कहीं गलती से भी एक बार अगर छूट गया तो पूरा गाना गया। तो आई रियली अप्रिशिएट ईच एंड एवरी आर्टिस्ट कि इतना खूबसूरत उन्होंने निभाया। फिर से एक बार हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं,
आप सबका फिर से एक बार मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। थैंक यू कि आप इस तरह के गानों को अप्रिशिएट करते हैं, ट्रू म्यूज़िक को अप्रिशिएट करते हैं। और शंकर जयकिशन फाउंडेशन की ये जो ऑडियंस है, हमें बहुत बहुत मज़ा आता है जब इस तरह की गुणी संगीत को जानने वाली, समझने वाली ऑडियंस को हम अपने संगीत से एंटरटेन कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद एक और बहुत ही खूबसूरत गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं दोस्तों। फिल्म का नाम दुनिया क्या जाने, बहुत ही मज़ेदार ये गाना है। अगेन शंकर जयकिशन जी की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि जिस तरह से किशोर कुमार के पास से उन्होंने काम लिया है, वो भी एक देखने वाली बात है। ज़्यादातर हमने देखा कि पंचमदा ने किशोरदा के साथ काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटल गाने बनाए, लेकिन शंकर जयकिशन जी के संगीत निर्देशन में जिस तरह का किशोरदा का रंग रूप हमने देखा, वो बहुत बहुत अलग था। बहुत डिफरेंट किशोर कुमार हमें आज नज़र आए हैं। तो ऐसा ही एक और बेहद हसीन गाना आपके लिए। हेलो, सितार है, ठंडी फुहार है या प्यार की पुकार है, ये क्या है क्या है? झूम झूम नाच रही भर का बहार है, बूंद बूंद छेड़ रही मन का सितार है, ठंडी फुहार है या प्यार की पुकार है, ये क्या है क्या है? हे 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 कोई एक झलक सी दिखा कर गया, मेरे दिल की धड़कन बढ़ा कर गया, न भूलेगा अंदाज उस शौक का, जो हम थे जो चेहरा खुफा कर गया। भर का बहार है, बूंद बूंद छेड़ रही मन का सितार है, ठंडी फुहार है या प्यार की पुकार है, ये क्या है क्या है? हे 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 हो 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 ये सावन की रिमझिम सताने लगी, ये भीगी हुई रुत चलाने लगी, अभी तो गया है यहाँ से कोई, अभी याद क्यों उसकी आने लगी। नाच रही भर का बहार है, बूंद बूंद छेड़ रही मन का सितार है, ठंडी फुहार है या प्यार की पुकार है, ये क्या है क्या है? झूम झूम नाच रही भर का बहार है, बूंद बूंद छेड़ रही मन का
का सितार है, ठंडी फुहार है या प्यार की पुकार है, ये क्या है क्या है। माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत ही पावरफुल गाना। इस गाने के बाद मुझे आनंद जी से पूछना है, आपको नींबू पानी चाहिए? पता चला बेहोश हो जाएंगे इस गाने के बाद। किशोर कुमार जी है। यस यस, डेफिनेटली यू हैव हिज ब्लेसिंग्स। पसीने छूट गए इनके, देखो एसी वाले रूम में। ये गाने ही इतने, मतलब इतने फोर्स से, अब सोच सकते हैं, अगर हम सोच नहीं सकते कि उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कैसे गाया होगा, और वो yes. वो भी टेक के साथ, क्योंकि yes. उस वक्त बहुत टेक्स होते थे। yes, definitely. तो उसी फोर्स के साथ उसी एनर्जी लेवल मेंटेन करते हुए गाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारे ब्रेक्स आते हैं और उस तरह से गाना बहुत बहुत मुश्किल है। अगेन आई कंग्रेचुलेट द एंटायर टीम, हैरिस क्रिश्चियन और उनकी टीम को हम कंग्रेचुलेट करेंगे फॉर प्लेइंग रियली रियली वेल। जो काम लिया है शंकर जयकिशन जी ने किशोरदा के पास, पर्टिकुलरली इस गाने में, दैट वाज काबिले तारीफ। बहुत ही बुलंद, बहुत ही एनर्जेटिक अंदाज़ हमने देखा किशोरदा का। इसके बाद जो गाना हम आपको सुनाने वाले हैं वो भी ऐसा ही है, उसका जो टेम्परामेंट, उसका जो मूड है ऐसा ही है, लेकिन इस गाने के पिक्चराइजेशन में कुछ अलग बात है। शंकर जयकिशन जी का पूरा स्टूडियो हमें दिखता है इस गाने के पिक्चराइजेशन में, किस तरह से वो कंडक्ट करते हैं म्यूज़िक को, किस तरह से वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस तरह से किशोर कुमार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गा रहे हैं, वो सारी सिचुएशन इस गाने के पिक्चराइजेशन में है। और उसके बाद महमूद जी और जयश्री टी पे पिक्चराइज्ड ये गाना है कि शूटिंग कैसे होती है उस ज़माने में, वो भी पिक्चराइजेशन में लिया गया है। तो ये बहुत ही यूनिक है। आई थिंक ये इकलौता ऐसा गाना है जिसमें हम म्यूज़िक डायरेक्टर को देख पाते हैं गाने में। जनरली हमें म्यूज़िक डायरेक्टर्स दिखाई नहीं देते, पर ये इकलौता ऐसा गाना है जिसमें हम शंकर जयकिशन जी को देख पाते हैं कि किस तरह से वो रिकॉर्ड करते हैं, सिंगर को भी देख पाते हैं किस तरह से वो गाते हैं। सो इट्स वेरी डिफरेंट सॉन्ग, लेकिन बहुत ही मज़ेदार गाना है। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स, ऐसा मैं कह सकती हूँ। बहुत मज़ेदार गाना है, आशा करते हैं आपको भी उतना ही मज़ा आए जितना हम यहाँ से मज़ा करके इस गाने को परफॉर्म कर रहे हैं। एंड टुडे इट्स वेरी, इट्स अ चैलेंज फॉर अस। सबको पता है गाने ऐसे है और बैठ के गा रहे हैं, दिस इज समथिंग ग्रेट। किशोरदा भी ऊपर से देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि कैसा पैंडेमिक का दौर है कि मुझे फॉलो करने वाले सिंगर, और स्पेशली आनंद विनोद जो पूरा स्टेज कवर करते हैं, आज इतनी सी छोटी सी चेयर पे बैठ के गा रहे हैं। व्यूअर्स को भी ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बट वी हैव नो चॉइस। सो लेट्स एंजॉय दिस पावरफुल सॉन्ग। मेरी जान फाता फात फात, नाच मेरी जान फाता फात फात, फात मेरी मान फाता फात फात, फात मेरी मान फाता फात। ये जमाना इतराना नया फाता फात, ये जमाना इतराना नया फाता फात। नाच मेरी जान फाता फात फात, फात मेरी मान फाता फात फात। देखो 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 नए डांस का नमूना, देखो 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 नए डांस का नमूना। कभी मैं तुम्हें छूंगा, कभी तुम मुझे छूना, कभी मैं तुम्हें छूंगा, कभी तुम मुझे छूना। मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू
नया ताल नई ताल फाटा फाट फाट नाच मेरी जान फाटा फाट 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 मेरी मान फाटा फाट फाट नाच मेरी जान फाटा फाट ये ज़माना ये तराना नया फाटा फाट ये ज़माना ये तराना नया फाटा फाट तेरे रूप का मैं मारा मेरे प्यार की तुम्हारी मेरा तू मेरी तू मेरा तू मेरी तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मैं हूँ तीर तू कमान फाटा फाट फाट नाच मेरी जान फाटा फाट 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 मेरी मान फाटा फाट फाट नाच मेरी जान फाटा फाट ये ज़माना ये तराना नया फाटा फाट ये ज़माना ये तराना नया फाटा फाट My God, my God. That was amazing, amazing. By all means, again, Pinakinji, hats off to you and the entire team and both the singers and हमारे sound engineer Manthinji, उनकी team का हम शुक्रिया अदा करते हैं. Live आप हमें देख पा रहे हैं because of विश्व शाह और उनकी पूरी videography की technical team. और apart from these technicalities, बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोग्राम को कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए न जाने कितने दिनों से मेहनत करते हैं, कितने सारे गाने सुनते हैं, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट पर आते हैं, उस कॉन्सेप्ट को लेकर सॉन्ग फाइनलाइज्ड करते हैं. अगर अब तक आपको मज़ा आया हो सभी गानों में, तो जिन्होंने भी सॉन्ग सिलेक्शन किया है उनके लिए मैं कुछ अप्रिसिएशन के वर्ड्स आपकी ओर से कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर चाहूँगी. हम तो अप्रिशिएट कर ही रहे हैं बीइंग आर्टिस्ट, पर आप भी करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू वेरी मच कि आप इस तरह के गानों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये जानकर हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. दोस्तों, किशोर दा का एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने एक ही एक्टर के लिए 90 से ज़्यादा फिल्म्स में गाया है, 91 फिल्म्स फॉर राजेश खन्ना. और आज के प्रोग्राम की बात क्या है पता है, राजेश खन्ना का एक भी गाना नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल सॉन्ग. तो जिस जोड़ी को हमने बहुत सुना है, बहुत देखा है, उसके बगैर भी किशोरदा का एक बहुत बड़ा अस्तित्व है जो आज हमने इस प्रोग्राम में एक्सपीरियंस किया है. ये नियर टू इम्पॉसिबल है. मुझे नहीं लगता कि किशोरदा के किसी भी प्रोग्राम में एक भी प्रोग्राम ऐसा होगा जिसमें राजेश खन्ना का गाना ना हो. हो सकता है कभी, नहीं हो सकता, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म से ये हो चुका है. ये एक डिफरेंट है, ये हिस्ट्री है ना. ऐसा दोबारा कभी नहीं हो सकता. सो आई ऑल्सो अप्रिशिएट दोज हु सिलेक्टेड ऑल द सॉन्ग्स के अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग जॉनर कुछ नया आज हम प्रेजेंट कर पा रहे हैं हमारे ऑडियंस को. एक बेनिफिट ये है कि हमारी गायकी को बहुत मजबूत बनाता है. इट्स अ गुड लर्निंग फॉर अस. मतलब एवरी आर्टिस्ट के लिए एक है कि वो कुछ ना कुछ नया सीखे. ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है. तो दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म एंड गुड कंसेप्ट डिजाइंड बाय शंकर जयकिशन फाउंडेशन अहमदाबाद कि किशोर कुमार के साथ शंकर जयकिशन की जोड़ी लोग आज सुन रहे हैं. यस, और मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट अब बहुत पॉपुलर होने वाला है और आगे जाके इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल शोज होंगे. हम आशा करते हैं कि जल्द ही ऑडिटोरियम खुले और हम लाइव ऑडियंस के सामने इस तरह के गाने हम प्रेजेंट कर पाएँ. ये हमारी विश ज़रूर है. तो चलिए दोस्तों, अगले नगमे की ओर चलते हैं. ये भी एक बहुत ही मज़ेदार गाना है, फ्रॉम द फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस. फिर से एक बार आशा जी का एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ हम देखेंगे इस गाने में. शर्मिला जी बहुत ही खूबसूरत लगती हैं इस गाने में. अगर आप वीडियो देखेंगे, यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विथ हर ब्यूटी, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल.
और उन्हीं की इस खूबसूरती पर डेफिनेटली हम सब कायल हैं, जिस तरह से वो लगती हैं। उनका बहुत ही बोल्ड अवतार इस फिल्म में नज़र आया, इस गाने में नज़र आया। और कैबरे, पर्टिकुलरली कैबरे, जनरली हम हिंडन जी को देखते हैं, लेकिन शर्मिला जी को जब कैबरे करते हुए देखा, ओ माय गॉड, दैट वाज अमेजिंग। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने ये गाना नहीं देखा या सालों पहले देखा है, तो YouTube पे जाके इसका पिक्चराइजेशन ज़रूर देखिएगा, आपको शर्मिला जी से डेफिनेटली मोहब्बत हो जाएगी। सो लेट्स एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस। Zubi zubi zalembu, zubi zubi zalembu, zubi zubi zalembu, zubi zubi zalembu, aa gaye shukriya mere meherban sun ke ja sensuous, that was really amazing, बहुत बहुत मज़ा आया पायल जी, that was really amazing। फिर से एक बार जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनका मैं बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करती हूँ दोस्तों। ज़्यादातर जैसे मैंने पहले कहा कि किशोर कुमार की जब महफिल होती है तो राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, इस तरह के एक्टर्स को हम डेफिनेटली मेंशन करते रहते हैं, लेकिन अगला जो गाना है जिस एक्टर पे पिक्चराइज्ड है वो नाम मैंने पहले कभी अनाउंस ही नहीं किया, कबीर बेदी और उनके साथ सिमी गरेवाल, ये एक बहुत अलग जोड़ी और उन पे पिक्चराइज्ड ये बहुत ही खूबसूरत गाना। आज से पहले
मैंने इस प्रोग्राम से पहले इसे कभी ना देखा था ना सुना था, और जब देखा सो आई रियली लाइक्ड दैट सॉन्ग. बहुत ही खूबसूरत गाना और बहुत ही यूनिक स्टार कास्ट. और जनरली ऐसा होता है कि जो सुपर स्टारडम पा लेते हैं उन्हीं कलाकारों को ज़्यादा लाइव शोज़ में जगह मिलती है क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं. लेकिन इस तरह के एक्टर्स को भी एक ख़ास जगह जब प्रोग्राम में मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है कि आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है, उन्हें इक्वल वेटेज मिलना चाहिए. तो आज इस तरह के एक्टर्स को भी हम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है. फिल्म सीमा से ये गाना आइए सुनते हैं. हेलो, वक्त थोड़ा सा अभी कुछ और गुजर जाने दे, दिल में उठता हुआ तूफान ठहर जाने दे, और थोड़ी देर देख लेने दे ये चेहरा, जिंदगी भर की थकन दिल से उतर जाने दे. वक्त थोड़ा सा अभी कुछ और गुजर जाने दे, दिल में उठता हुआ तूफान ठहर जाने दे, और थोड़ी देर देख लेने दे ये चेहरा, जिंदगी भर की थकन दिल से उतर जाने दे. वक्त थोड़ा सा अभी कुछ और गुजर जाने दे. तेरी मासूम जवानी का है एहसास मुझे, फिर भी बैठा ले घड़ी भर के लिए पास मुझे रानी. तेरी मासूम जवानी का है एहसास मुझे, फिर भी बैठा ले घड़ी भर के लिए पास मुझे रानी. कुछ और गुजर जाने दे, दिल में उठता हुआ तूफान ठहर जाने दे, और थोड़ी देर देख लेने दे ये चेहरा, जिंदगी भर की थकन दिल से उतर जाने दे. वक्त थोड़ा सा अभी कुछ और गुजर जाने दे. मिल गई तो जिंदगी से हमको, अपनी बाहों की पनाहों में गुजर जाने दे. वक्त थोड़ा सा अभी कुछ और गुजर जाने दे, दिल में उठता हुआ तूफान ठहर जाने दे, और थोड़ी देर देख लेने दे चेहरा, जिंदगी भर की थकन दिल से उतर जाने दे. थोड़ा सा अभी कुछ और गुजर जाने दे. थैंक यू, थैंक यू. दोस्तों कहा जाता है कि किशोरदा का जो अंदाज था वो बहुत ही बुलंद बेखौफ, लेकिन शंकर जी और जयकिशन जी के सामने जब वो आते थे
तो वो एक अलग ही किशोर कुमार बन जाते थे, बहुत विनम्र हो जाते थे। और इस तरह का रूप किसी ने किशोरदा का पहले कभी न देखा न सुना। और जैसे वो इंस्ट्रक्ट करते थे वैसे ओके करके वो जैसे ही इंस्ट्रक्टेड हो वैसे गा लेते थे, ना कोई सजेशन, ना कुछ ये, ना कोई एक्स्ट्रा जो ड्रामा वो करते थे, ऐसा कुछ वो शंकर जयकिशन जी के संगीत निर्देशन में नहीं करते थे। और काफ़ी बार उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस दर्जे के वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो बात ही कुछ और है, मुझे बुला रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, मुझसे गवा रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। तो एक अलग ही किशोर कुमार नज़र आते थे, बहुत ही विनम्र किशोर कुमार। और सामने शंकर जी भी किशोरदा को उतना ही रिस्पेक्ट देते थे, उनका भी ये मानना था कि अगर किशोर कुमार जैसा गाना कलाकार जब कोई गाना गाता है तो वो गाना अपने आप बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि फेस वैल्यू और लोगों की जो मोहब्बत है उसकी कंपैरिजन किसी और चीज़ से नहीं हो सकती। तो अपने आप में किशोर कुमार को लोगों ने इतना प्यार दिया, ख़ास तौर पर 70s के दशक में जो हमने किशोर कुमार का सितारा देखा वो काबिले तारीफ था। और ऐसी स्टारडम जीने के लिए लोग तरस जाते हैं। तो आज कहीं ना कहीं हम उनके गाने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, उनके जितने भी फैंस हैं वो कहीं ना कहीं हमें भी पसंद कर रहे हैं, तो हम पर वो किशोर कुमार का, शंकर जयकिशन जी का आशीर्वाद है। अगले नगमे की ओर चलते हैं, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, आशा करते हैं आप सबको पसंद आएगा। हेलो चलो भूल जाए जहाँ को यहाँ तो घड़ी, बीते हुए पल नहीं लौटते फिर कभी। चलो भूल जाए जहाँ तो घड़ी, बीते हुए पल नहीं लौटते फिर कभी। चलो भूल जाए जहाँ को यहाँ तो घड़ी, बीते हुए पल नहीं लौटते फिर कभी। वफा की डगर पर हमेशा चले, खुशी हो या गम साथ हरदम रहे, खुशी हो या गम साथ हरदम रहे।
चलो भूल जाए जहाँ का यहाँ दाहड़ी, बीते हुए पल नहीं लौटते फिर कभी। हाथों पे लिख दे मेरा नाम होठों से तू, वही मेरी मंजिल जहाँ ले चले आज तू। बहुत खूबसूरत दोस्तों, शंकर जयकिशन जी की जोड़ी को मौत ने भले ही जिस्मानी रूप से अलग किया हो, लेकिन संगीत के क्षेत्र में ये नाम एक सांस में लिया जाता है, शंकर जयकिशन। अभी जो गाना हमने सुनाया 1975 का गाना था, इसके बाद जो हम आपको गाना सुनाएंगे वो 1979 का गाना है। जयकिशन जी हमारे बीच नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी फिल्म में क्रेडिट्स दो नाम को दिए गए, शंकर जयकिशन। वो जिस्मानी तौर से भले हमसे दूर थे, लेकिन संगीत के माध्यम से हमेशा ही हमारे साथ रहे। और इन गानों में कहीं ना कहीं वो जोड़ी का ही हमें फ्लेवर मिलता है, कहीं हम ये महसूस नहीं कर पाते कि एक जिस्मानी तौर पर हमारे बीच नहीं रहा। वो जो फ्लेवर है वो कंटिन्यूसली मेंटेन रहा, जो बहुत बड़ी बात है। जयकिशन जी नहीं रहे, फिर भी उन संगीत में वो हमेशा जिंदा रहे, हमारे बीच रहे। और ये जोड़ी ने हमें बहुत सारे खूबसूरत गाने दिए हैं दोस्तों। हम अपने आप को ब्लेस्ड समझते हैं कि उनको गानों को निभाने का हमें मौका मिलता है। हमें कुदरत ने उतनी कला से नवाजा है कि हम उनके गानों को परफॉर्म कर पाएँ, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं इस मोड पर जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनका धन्यवाद फिर से एक बार करना चाहूँगी, शंकर जयकिशन फाउंडेशन अहमदाबाद की ओर से, फॉर बीइंग अमेजिंग अमेजिंग ऑडियंस। थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। चलिए इस मोड पर इस प्रोग्राम के आखिरी नगमे की ओर चलते हैं। चलते चलते इन राहों पर ऐसा भी कुछ हो जाता है, कोई अनचाहा मिल जाता है और मन चाहा खो जाता है। चलते चलते इन राहों पर ऐसा भी कुछ हो जाता है, कोई अनचाहा मिल जाता है और मन चाहा खो जाता है। खुशी अलग से जब हो सकी हासिल, किसी और की खुशी में हम हो गए हैं शामिल। कोई खुशी अलग से जब हो सकी हासिल,
किसी और की खुशी में हम हो गए हैं शामिल। हो ऐसे भी हंस लेते हैं हम, ऐसे में भी दिल गाता है, कोई अनचाहा मिल जाता है और मन चाहा खो जाता है। किस्मत ने जो लिखा था पाया है जिंदगी में, क्यों ढूंढने को जाए हम दोष आदमी में। किस्मत ने जो लिखा था पाया है जिंदगी में, क्यों ढूंढने को जाए हम दोष आदमी में। आहा हो क्या सोचा करता है इंसान और जाने क्या हो जाता है, कोई अनचाहा मिल जाता है और मन चाहा हो जाता है। थैंक यू वंस अगेन शंकर जी किशन फाउंडेशन अहमदाबाद, थैंक यू वेरी मच। फिर से एक बार आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू व्यूअर्स। और उसके साथ साथ श्री स्नेहल भाई पटेल, श्री चिराग भाई पटेल, श्री सौरिन भाई झरमरवाला, शंकर जयकिशन फाउंडेशन अहमदाबाद की पूरी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हम सभी कलाकार को इस काबिल समझा कि आज के इतने डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट का हम हिस्सा बन पाएंगे, हम पे विश्वास किया कि हम इन गानों को निभा पाएंगे। उस विश्वास के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसी किसी और खूबसूरत शाम में यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और संगीत के साथ जुड़े रहिए। गुड नाइट।